जनहित के कार्यकर्ता लगातार दे रहे हैं सेवाएं, मानव रूपी ईश्वर को करा रहे हैं भोजन। उमरिया जनहित मानव विकास सेवा संस्थान उमरिया द्वारा लगातार शहर के कई स्थानों पर जाकर मानव रूपी ईश्वर को भोजन करा रहे हैं, जिसमें गांधी चौक, जय स्तंभ, पुराना बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, दिग्विजय चौक, रेन बसेरा, नया बस स्टैंड, सब्जी मंडी में उनके स्थानों पर जाकर भोजन के पैकेट और कपड़ा वितरण किए। साथ ही जिला हॉस्पिटल उमरिया में पवन कुमार राय जी के प्रयास से निरंतर खून की कमी को पूरा करने के लिए निरंतर रक्तदान करवा रहे हैं। जनहित संस्था इंडिया ब्लड डोनर ग्रुप के द्वारा 12 राज्यों में अपनी सेवा दे रही है, जिस पर भोजन, पानी, ऑक्सीजन, रक्तदान की सेवा जारी है। लगभग अभी तक 5000 यूनिट रक्तदान किया। मौके पर सूरज कुमार सोनी अध्यक्ष, प्रकाश राजपूत सचिव, जय कुमार सोनी संरक्षक, ऋषिकेश रजक उपाध्यक्ष, पवन कुमार राय, नीरज बर्मन, मुकेश पंद्रे उपस्थित रहे। आपका नाम? मेरा नाम दुष्यंत कुमार सोनी है जी, और मैं यहाँ पर रहने वाला हूँ मरिया का जी। सरकारी नौकरी में हूँ, पर समाज सेवा के कार्यों से मैं पहले से भी जुड़ा रहा हूँ और आज भी मेरे से जितना हो सकता है मैं मदद करने को तैयार रहता हूँ जी। जो कि हमारे जो कार्यक्रम चल रहा है जनहित सेवा संस्थान द्वारा, तो जो बड़े मतलब लोगों की सहायता करते हैं और या गरीब भूखों को वो करते हैं, खाना खिलाते हैं, तो इस विषय में कुछ संदर्भ में कुछ बताएं आप। जैसा कि मैं जानता हूं कि जनहित मानव विकास जनसेवा समिति जो है वह इस पूरे लॉकडाउन में, पिछले फेज़ में भी और वर्तमान फेज़ में भी गरीब असहाय मजदूरों की, प्रवासी मजदूरों की, कोरोना वॉरियर्स की, और जो इस कोरोना काल में हम सबके मददगार हैं, जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य अमला, आपका बिजली विभाग, नगर पालिका के समस्त अधिकारी कर्मचारी, सफाई कार्यकर्ता, इन सब की सेवा के लिए, उन्हें बीच बीच पर रिफ्रेशमेंट करने के लिए उन्हें काढ़ा, चाय, नाश्ता और उनकी जो भी हर संभव मदद रहती है उसके लिए यह समिति कार्य कर रही है, जो बधाई की पात्र है। समिति के सभी कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से इस कड़ी धूप में उनकी सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं, यह देखकर ही बहुत अच्छा लगता है। और समाज के दूसरे लोगों को भी इन सबसे सीख लेना चाहिए कि हम सबको इस संकट की घड़ी में जो हमारी मदद के लिए आगे आ रहे हैं, घर से निकल रहे हैं, उनकी सहायता के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। जहां तक सरकार के टीकाकरण की बात चल रही है, अभी हाल ही में यहां के शहडोल संभाग के कमिश्नर आदरणीय राजीव शर्मा जी ने भी अपनी एक वक्तव्य के जरिए टीकाकरण लगवाने के लिए सभी को प्रेरित किया है। मैं उनके बात का समर्थन करता हूँ। टीकाकरण हो जाने से हम 90% तक इस बीमारी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। टीकाकरण एक अच्छा कार्य है जो पूरे देश में नहीं पूरे संसार में चल रहा है और उसके लाभ भी हम सबके सामने आ रहे हैं। आज जो बीमारी पर अंकुश लगाने का कार्य है वो टीकाकरण ही है। टीकाकरण करें और COVID-19 के सभी नियमों का पालन करें। देखिएगा, हम सब जल्द ही यह जंग जीत लेंगे। थैंक यू।